तक मालवा का ध्वज आकाश में लहरा रहा है तब तक मान्यखेट चैन से कैसे बैठ सकता है। मालवा पर हमारा आक्रमण शीघ्र और प्रलयकारी होना चाहिए। क्षमा चाहता हूं राजकुमार जी, लगातार दो युद्ध के बाद हमारा सैन्य बल बहुत कम हो गया है। हम अभी एक नए युद्ध के लिए तैयार नहीं है। हमें अभी सैनिकों की नई नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए समय चाहिए और रक्षा कोष में अनुदान भी। हम प्रधान से सहमत हैं। हमें मालवा पर तुरंत आक्रमण करने के बजाय सैन्य संगठन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। मान्यखेट ने हमेशा दूसरे राज्यों की सहायता की है, अब बारी उनकी है। प्रधान, सब सामंतों और राज्यों की जिसकी हमने सहायता की है उन्हें संपर्क करो और एक विशाल सेना तैयार करो। जी। इस बार हमें ऐसी रणनीति बनानी होगी जिसकी काट ना तो कल्लारी और ना ही पृथ्वी के पास होगी। हम मालवा पर ऐसे हमला करेंगे कि पृथ्वी वल्लभ और उसका परिवार अगला सूर्योदय देखने के लिए जीवित नहीं बचेगा। उन्माद से सिर्फ पराजय मिलती है, विजय नहीं। मालवा जीतने का स्वप्न त्याग दीजिए। भिलम राज, आपने अपने भाई को राजनियमों का ज्ञान नहीं दिया कि ऐसी बैठकों में बिना बुलाए नहीं आते और बिना पूछे नहीं बोलते। राजकुमारी जी, मेरी बातें कड़वी अवश्य लगती हैं, लेकिन बाद में सब सही साबित होते हैं। उन्माद सोचने और समझने की शक्ति छीन लेता है। वो सही समय और सही मार्ग के बजाय जो सबसे आसान मार्ग होता है उसे चुनता है और बाद में पराजित करा देता है। क्या आपने कभी सोचा है राजकुमारी की मालवा की ढाल है कौन? कौन है वो जिसने हर बार आपके हर हमले को नाकाम किया है? कभी आपने सोचा? और उसका बहुत ही आसान सा जवाब है, पृथ्वी। पृथ्वी को परास्त करके ही मालवा को जीता जा सकता है। इसलिए मान्यखेट का आक्रमण केंद्र मालवा नहीं, पृथ्वी होना चाहिए। पृथ्वी की मौत का मतलब है मालवा का मिट्टी में मिल जाना। पृथ्वी को मारना हिरण का शिकार करना नहीं। मैं जानता हूं पृथ्वी को मारना इतना आसान नहीं है, लेकिन महाराज जितनी कठिनाई के साथ आप सेना इकट्ठा करके मालवा को युद्ध में हराएंगे उससे बहुत कम प्रयास में आप पृथ्वी को मार सकते हैं। बस आप अपना पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ कल्लारी और पृथ्वी पर केंद्रित रखें। हर बार नई सैन्य शक्ति एकत्रित करके आपने
मालवा पर आक्रमण किया और हर बार आप विफल रहे। क्यों? क्योंकि वहां पृथ्वी वल्लभ है। जब तक पृथ्वी और कल्लारी मालवा में है, मालवा को जीतना असंभव है। इसलिए जरूरी है कि मालवा से पृथ्वी को और पृथ्वी से कल्लारी को अलग करना। एक बार ये तीनों अलग हो गए तो बस मालवा आपका हुआ। करवट मत बदलो, तुम आराम से लेटे रहो। बुआ, हमें अपनी भूल का पश्चाताप है। आपने अभी तक हमें माफ नहीं किया। सत्याश्रय प्राश्चित होना ही भूल को सुधारना होता है। जब स्वयं विलास तुम्हें क्षमा कर चुकी है, हमें तो तुम्हें क्षमा करना ही होगा। परंतु हां, हम अब भी तुमसे क्रोधित हैं। मैं समझ सकता हूं बुआ, परंतु जो कुछ भी हुआ वो बोधहीनता की अवस्था में हुआ। तुम्हारी ये बोधहीनता तुमसे अधिक हमारे द्वारा दिए गए संस्कारों पर प्रश्न चिन्ह, इस राजघराने के मर्यादा और परंपराओं पर एक प्रश्न चिन्ह। इसीलिए तुम्हें क्षमा करने के बाद भी हमारे अंदर ये क्रोध की भावना है। हमें क्षमा कर दीजिए बुआ, हम आपको वचन देते हैं कि आज से ऐसी कोई भी अभद्रता नहीं होगी जिससे आपका, पिताजी का और इस राजवंश का मस्तिष्क लज्जा से चुके। राजवंश की परंपरा और मर्यादा पर किसी भी तरह का लांछन नहीं लगने दो। अपनी भूल मानकर क्षमा मांगना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है सत्याश्रय। तुम हमारे राजवंश का रक्त हो, हम बुआ हैं तुम्हारी। तुम्हें चोट पहुंचाकर हमें भी बहुत पीड़ा हुई सत्याश्रय, लेकिन हम प्रसन्न हैं कि तुम्हें अपनी भूल समझ में आई। तुम आराम करो। भरी सभा में घोड़े मारकर जो आपने हमारा अपमान किया है मृणाल बुआ, इसका प्रतिशोध हम आपसे अवश्य लेंगे।
सैनिकों सावधान। मेरी आज्ञा के बिना कोई शस्त्र नहीं चलाएगा। क्षमा चाहता हूँ महाराज, हम आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करना चाहते, किंतु हम विवश हैं अपने सेनाध्यक्ष की आज्ञा का पालन करने के लिए। सेनाध्यक्ष कल्लारी ने हमें आदेश दिया है। सेनाध्यक्ष कल्लारी की भावनाओं का सम्मान करता हूँ मैं, उनका अपमान करने का उद्देश्य नहीं है मेरा, लेकिन मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि मालवा संधि करने आया है, युद्ध नहीं। हमारी ओर से पहला प्रहार कोई नहीं करेगा। जी महाराज। सैनिकों मालवा नरेश पृथ्वी वल्लभ मान्यखेट के लिए संधि प्रस्ताव लेकर आया हूं। मेरा यह संधि प्रस्ताव राजकुमारी मृणाल और तैलप राज तक पहुंचाया जाए। हम महल में जाके सूचना देकर आते हैं, तब तक आप इन पर नजर रखिए। जानना चाहते हैं कि क्या आपके पास कोई ठोस योजना है पृथ्वी वल्लभ को मारने की। जी मेरे मुताबिक हमें राजकुमारी मृणाल। वो पृथ्वी वल्लभ तात्पर्य क्या है तुम्हारा? पृथ्वी वल्लभ और उनके कुछ लोगों ने मान्यखेत की बंदरगाह पे लंगर डाल दिया है। चाहते क्या है वो? उनके हिसाब से वो संधि प्रस्ताव लेकर आए। संधि? ये तो सोने पे सुहागा हो गया। पृथ्वी ने हमारा कार्य एकदम आसान कर दिया है। संधि के बहाने ही सही, शिकार स्वयं चल के शेर की मांद में आ गया है। मेरी माने तो हमें राज दरबार के किसी सदस्य को भेजकर पृथ्वी को पूरे सम्मान के साथ राज दरबार में बुला लेना चाहिए। उसे कह लेने दीजिए अपनी बात, उसके बाद हमारी आगे की रणनीति और भी आसान और भी सटीक हो जाएगी। राजकुमार सत्यश रह जाएंगे पृथ्वी वल्लभ के स्वागत के लिए, और सभी गणमान्य व्यक्तियों को दरबार में आने की सूचना दी जाए। जी।
चकला। कौन हो तुम? अपने आप को नहीं पहचानती? तुम्हारी ही तो छाया हूं मैं। चली जाओ, चली जाओ यहां से। तुम यहां क्यों आई? हाँ, जाओ। चली जाऊंगी, बस एक सलाह देकर चली जाऊंगी, जो मेरे अलावा तुम्हें और कोई नहीं दे सकता। ये बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही है ना, कि मृणाल ने तुम्हारे पुत्र को सबके सामने कोड़े मारे। वो कोड़े मृणाल ने तुम्हारे पुत्र को मारे, लेकिन चोट तुम्हारी आत्मा को लगी है। उन कोड़ों की मार मेरी आत्मा को कचोट रही है, तोड़ा है मुझे। कभी ये सोचा है, जंगल में सबको फाड़ खाने वाला शेर अजायब घर के अंदर कूड़े की फटकार सुनकर डरने क्यों लगता है? क्योंकि उन शेरों को बचपन से कूड़े मार मार कर बड़ा किया जाता है, और उसके बाद उन्हें कोड़े मारने की भी कोई आवश्यकता नहीं होती। वो आवाज सुनते ही किसी पालतू पशु की भांति पूंछ हिलाने लगते हैं। तुम कहना क्या चाहते? मैं ये कहना चाहती हूं कि तुम्हारा पुत्र सत्याश्रय एक शेर है। आज उसके ऊपर पहली बार कोड़े की फटकार पड़ी है। धीरे धीरे उसे इन कोड़ों की आदत पड़ जाएगी और वो मृणाल का पालतू बन जाएगा। नहीं रोक सको तो रोक लो, राष्ट्रकूटों का खून है ना तुम्हें, ठंडा पड़ गया? नहीं नहीं, मेरा बेटा, मेरे बेटे को मैं कभी मृणाल का पालतू नहीं बनने दूंगी, मैं कभी नहीं। मेरा बेटा शेर है वो, मैं कभी नहीं बनने दूंगी नाग का पालतू, कभी नहीं बन। माँ, मदिरा का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, राजवेद ने आपको चेतावनी दी है, मत पीजिए। क्या हुआ माँ, आप किससे बात कर रही थी? अपने आप से। तुमने क्या सुना पुत्र? जितना भी सुना उन शब्दों में आपका मेरे प्रति स्नेह था, एक माँ की अपने पुत्र के प्रति रक्षा की भावना थी। रोइए मत, आपका पुत्र शेर है, शेर।
वो राजकुमारी मृणाल का पालतू कभी नहीं बनेगा। अपने आस पर पूछ। और आज से राजकुमारी मृणाल के राज की उल्टी गिनती शुरू। हथियार नीचे। सम्राट पृथ्वी वल्लभ, मैं मानिकेट का युवराज तैलप राज का पुत्र सत्याश्रय आप सभी का यहां अभिवादन करता हूं। मिलकर अत्यधिक प्रसन्नता हुई आपसे। भोज, ये युवराज भोज है, मालवा के युवराज। युवराज भोज का स्वागत है, लेकिन लगता है मालवा के सम्राट को मेरा अभिवादन स्वीकार नहीं। मान्यखेट के स्वागत और सत्कार के बारे में सुना था, आज देख भी लिया। अर्थात? देखिए युवराज, मालवा और मान्यखेट के बीच कई युद्ध लड़ जा चुके हैं, और सम्राट तैलप हमारे अतिथि भी रह चुके हैं। और आपने तैलप राज को जीवन दान भी तो दिया था। इससे बेहतर मौका और क्या हो सकता है वो एहसान उतारने का। प्रणाम। मैं मालवा का राजकवि रसनिधि, अभिवादन स्वीकार करें। महाराज तैलप ने आप सभी को राज दरबार में विशेष रूप से आमंत्रित किया है, आइए। सम्राट पृथ्वी वल्लभ के बारे में जैसा सुना उससे अधिक पाया। सही कहती है मृणाल बुआ आप लोगों के संबंध में। क्यों, आखिर ऐसा क्या कहती है मृणाल बुआ आपके हमारे संबंध में? यही कि मालवा वाले हृदय का अधिक और मस्तिष्क का कम इस्तेमाल करते हैं, कदाचित इसलिए बेतुका व्यवहार करते हैं। बेतुका? यदि ऐसा नहीं होता तो यह जानते हुए मानिकेट मालवा राज से प्रतिशोध की इच्छा रखता है हमारे राज में क्यों आते? मस्तिष्क बुद्धि का प्रतीक होता है युवराज, और हृदय होता है भावनाओं का, और भावनाओं का संबंध होता है मानवता का, और हमारे मालवा ने सदैव ही मानवता की रक्षा करने का प्रण लिया है। इसीलिए आज भी हमारे राजा पृथ्वी वल्लभ मान्यखेट आए हैं, ताकि मानवता की रक्षा कर सके। आप बस आराम से बैठकर देखते जाइए, कुछ ही दिनों में परिवर्तन स्वयं अनुभव करने लगेंगे आप। लक्ष्मी, हो सके तो हमें क्षमा कर दो।
आप क्यों क्षमा मांग रही हैं दीदी? एक औरत होने के नाते, एक माँ होने के नाते हम तुम्हारे दुख को समझ सकते हैं। समाधान का अधिकार केवल हमारी पुत्री विलास के पास है और उसे हम उस तक ही सीमित रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। जो कुछ भी हुआ दीदी, उसमें आपका कोई दोष नहीं, भूल तो हमसे भी हुई है ना, पर इन सारी बातों को यहीं छोड़कर हमें आगे की सुध लेनी होगी, अन्यथा इस दुर्घटना से कभी उभर नहीं पाएंगे। हम समझ सकते हैं तुम्हारी भावनाओं को, क्या कोई चिंता है लक्ष्मी? ग्लानी, आत्मग्लानी, हम हमेशा से जिसका विरोध करते आए थे आज वही हमारे पक्ष में खड़ी है। कभी कभी हम मनुष्य के केवल बाहरी रूप को देखते हैं और उसके हृदय को समझ नहीं पाते। राजकुमारी मृणाल को समझने में भी हमसे यही भूल हुई है दीदी, और इसी बात की हमें ग्लानी है। हो सकता है कि तुमने उनका जो रूप देखा है वो एक छलावा मात्र हो। नहीं दीदी, राजकुमारी मृणाल का व्यक्तित्व ऊपर से जितना कठोर और अहंकार भरा दिखता है, भीतर से उतनी ही कोमल और सहज है। अहंकार उनका स्वभाव नहीं बल्कि उनका आत्मसम्मान है। मृणाल का सम्मोहन काम कर गया तुम्हारे ऊपर? सम्मोहन नहीं, सत्य। राजकुमारी मृणाल का सत्य काम कर गया हम पर दीदी। अच्छा, तो कोशा के साथ हमारी जो लड़ाई है वो अब हमें अकेले ही लड़नी होगी। कोशा? नहीं दीदी, कोशा के साथ की आपकी लड़ाई में मैं हमेशा आपके साथ, क्योंकि यह लड़ाई केवल महारानी जकला की नहीं बल्कि मेरी बहन जकला की। आपके अधिकारों की लड़ाई में आपकी बहन हमेशा आपके पक्ष में खड़ी रहेगी। धन्यवाद, हमने सोचा कि नहीं दीदी, इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने राजकुमारी मृणाल के प्रति केवल हमारे विचार बदले, इससे हमारे आपसी संबंधों पर कभी कोई असर नहीं होगा, कतई नहीं। लक्ष्मी, हम तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि कोशा और उसकी मौसी कारागृह से भाग गए।
बिलम्प राज को मालवा का सादर अभिनंदन। आचार्य विनयादित्य को मेरा साष्टांग नमन। सदा सुखी रहो। और राजकुमारी मृणाल को पृथ्वी वल्लभ। मैं आपके अभिवादन में नहीं, आपकी मंशा में रुचि है। मान्यखेट आने का मकसद संधि, शांति और संबंध। क्यों? चलिए स्पष्ट करता हूं। भारतवर्ष के दो सशक्त साम्राज्य मान्यखेट और मालवा वर्षों से एक दूसरे के रक्त के प्यासे हैं। युद्ध पर युद्ध, आक्रमण पर आक्रमण किए जा रहे हैं। और यदि आज हमने इस युद्ध को समाप्त नहीं किया तो ये युद्ध हमें समाप्त कर देगा। और जीत होगी उस असुरी भावना की जो हमारे मन में तनकर खड़ी है और अपना पराक्रम दिखा रही है। मैं ये नहीं कहता युद्ध मत कीजिए, अवश्य कीजिए, किंतु अपने भीतर बैठी उस आसुरी प्रवृत्ति से कीजिए। आपने ये ज्ञान देने से पहले मालवा का इतिहास पलटकर नहीं देखा पृथ्वी वल्लभ? किस तरह मालवा ने मान्यखेट को रक्त रंजित किया था? युद्ध किसने शुरू किया था पृथ्वी वल्लभ? जानता अवगत हुई सत्य से और इसीलिए शांति प्रस्ताव लेकर आया। देखा जाए तो युद्ध मुख्य रूप से अनगिनत भूलों की एक सूची है। हर पक्ष अपने आप को वैध ठहराना चाहता है और इसीलिए हर पक्ष इसे अपनी या तो विवशता या फिर आत्मरक्षा का रूप देना चाहता है और दूसरे पक्ष पर इसका समस्त दायित्व मढ़ना चाहता है। तैलप राज, आज तक मान्यखेट और मालवा के बीच जितने भी युद्ध हुए हैं, मैं उन सब का दायित्व अपने ऊपर लेकर मान्यखेट से क्षमा याचना करता हूं। क्षमा, क्षमा एक सम्राट का सबसे बड़ा गुण ही नहीं, उसकी सबसे बड़ी शक्ति भी है। और इसीलिए बीते हुए कल को क्षमा कर आज इस संधि प्रस्ताव को स्वीकार करें। युद्ध से ही अगर शांति प्राप्त होती तो अज्ञानता से ज्ञान और निर्बलों से बल प्राप्त होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है राजकुमारी। अहिंसा के लिए हिंसा की नहीं, मैत्री की आवश्यकता होती है। और हमारे शास्त्रों में और हमारे गुणीजनों ने भी यही कहा है कि दो राज्यों के बीच सर्वश्रेष्ठ संधि तभी संभव है जब उनके मध्य कोई पारिवारिक संबंध भी हो। और इसीलिए मैं आज अपने साथ राजकुमारी मृणाल के विवाह का प्रस्ताव भी लाया हूं। और राजकुमारी से सहृदय निवेदन करता हूं कि वे
मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करें। संधि कायरों का श्रृंगार होता है शूरवीरों का नहीं पृथ्वी वल्लभ। एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि मान्यखेट मालवा के रक्त से अपना तिलक अवश्य कर सकता है, किंतु मालवा के नाम की चूड़ियां नहीं पहन सकता। मालवा और मान्यखेट के बीच केवल एक ही रिश्ता संभव है और वो है शत्रुता का।